हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स लवर 16 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक हाईली डिमांडेड टॉपिक पर कि क्रिकेटर बनने की लास्ट एज क्या होती है, क्या क्रिकेटर बनने के लिए कोई एज लिमिट होती है या फिर आप किसी भी एज में क्रिकेटर बन सकते हो। मेरे दोस्त, वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और भैया, चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रिकेट से जुड़े जेन्युइन कंटेंट मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको उन लोगों की बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना जो आपसे ये कहते हैं कि तुम्हारी एज 18 साल हो चुकी है, तुम्हारी एज 20 साल हो चुकी है, इसलिए अब तुम क्रिकेटर नहीं बन सकते। ऐसे लोग सिर्फ आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, इसलिए वे सिर्फ आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं, इसलिए आपको ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करना है। गाइज, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि क्रिकेटर बनने की कोई एज फिक्स नहीं होती है। आप 20 साल की एज में भी इंडिया खेल सकते हो, आप 25 साल की एज में भी इंडिया खेल सकते हो और आप 30 साल की एज में भी इंडिया खेल सकते हो। दोस्तों, जो भी बच्चे 8 साल से लेकर 10 साल के बीच में अपने करियर की शुरुआत कर देते हैं, ऐसे बच्चों के पास सबसे ज़्यादा मौका होता है कि वह अपने देश के लिए खेल जाएं, क्योंकि इनके पास अपने स्किल्स को डेवलप करने का, अपने बेसिक्स को मजबूत करने के लिए काफ़ी समय होता है। ऐसे बच्चों के पास अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 खेलने का एक सुनहरा मौका होता है। जो भी बच्चे अंडर 19 में अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं, उनका सिलेक्शन आईपीएल में भी हो जाता है, जैसे शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों का हुआ था। गाइज, ये तो हमने जान लिया कि जो लोग 8 साल से लेकर 10 साल के बीच में अपने करियर की शुरुआत कर देते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा मौका होता है इंडिया खेलने का। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जो लोग 18, 19, 20 की उम्र में क्रिकेट की शुरुआत करते हैं, क्या वे एक सफल क्रिकेटर बन सकते हैं या नहीं? तो गाइज, मैं आपको बता दूँ कि आप 18, 19 की एज में भी क्रिकेट की शुरुआत करके एक सफल क्रिकेटर बन सकते हो। इंडियन टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 18, 19 की एज में भी क्रिकेट की शुरुआत करके इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एग्जाम्पल में आप जहीर खान को ले सकते हो, उमेश यादव को ले सकते हो। इन्होंने काफ़ी देर से क्रिकेट की शुरुआत किया, फिर भी इन्होंने इंडिया के लिए खेल लिया। अगर आपकी फिटनेस सही है और आप मेहनत करने से घबराते नहीं हो तो मेरे दोस्त, आप किसी भी उम्र में क्रिकेट की शुरुआत करके एक सफल क्रिकेटर बन सकते हो। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट कोई कोर्स नहीं है जिसे आप एक या दो साल में कंप्लीट करके एक क्रिकेटर बन जाओगे। मेरे दोस्त, आप क्रिकेट की लाइन में तभी आना जब आपके अंदर मेहनत करने के साथ साथ धैर्य रखने की क्षमता हो। अगर आप ये सोचते हो कि आप एक या दो साल मेहनत करके इंडिया के लिए खेल जाओगे तो मेरे दोस्त, आप बिल्कुल गलत हो। क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत करने के साथ साथ धैर्य भी रखना पड़ता है। हो सकता है कि आपको शुरुआत में सफलता ना मिले, लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप धैर्य रखकर मेहनत करोगे तो सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो का कंक्लूजन निकाला जाए तो इससे हमें यही पता चलता है कि क्रिकेटर बनने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप किसी भी एज में क्रिकेट की शुरुआत करके एक सफल क्रिकेटर बन सकते हो, इसलिए आप लोगों की बातों पर ध्यान न दो और आज ही क्रिकेट की शुरुआत करो। हो सकता है कि आप भी एक सफल क्रिकेटर बन जाओ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।